सर्वमंगल मांगल्यम। बेटा इसको कंटिन्यू करो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। श्री शांति वीर शिव धर्माजीत अरु श्रेयांश सूर्याचार्य वे फिर गुरुवर अभिनंदन सागर जग पूजित आचार्य मुनिवर आर्याय लक क्षुलक त्यागी व्रतियों के स्वामी गुरु आपकी करो वंदना बनने को शिव पथ गामी बनने को शिव पथ गामी। पंच परमेश के भगवान की जय। मूल नायक श्री चरण मुनि सुब्रतनाथ सुमति नाथ भगवान जय। अतिशयकारी देवपुरी के श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य षष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य भगवंत गुणानुरागी श्री स्वाट गुप्ति नंदी जी महाराज की जय हो। वर्तमान सप्तम आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की जय। समाधिस्थ आचार्य निजानंद सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सर्वप्रथम पूज्य आचार्य भगवंत अहिंसा के चरणों में नमोस्तु करता हुआ सरल स्वभावी गुणानुरागी प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ति जी महाराज जी को बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है समीर जी? आ नमोस्तु रही है। भगवान नमोस्तु भगवान। सर्वप्रथम आपके आचार्य नमस्ते। पदारोहण दिवस पर मेरी ओर से बार 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा सुना था कि फूल हाँ फलों से जो लदे घनी छाओं के वृक्ष शरणागत को शरण दे श्रवणों के अध्यक्ष ऐसे वाह, श्रवणों के अध्यक्ष के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु हो। मैंने मेरा सुना था जी काले कलौ चले चित्ते देहे चांदनाद कीट के एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नरा। एक तो कलिकाल और उसके ऊपर सबसे बड़ा दुर्भाव ये कि हमारा मन अत्यंत चंचल है और उसके उपरांत सबसे बड़ी बात कि हमारे पास समय भी बहुत कम है और सबसे बड़ी बात कि हम दुर्बुद्धि भी और ये हमारा शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। ऐसे विपरीत समय में जब चारों ओर भौतिकता की चकाचौंध अपना पूरा पूरा व्यापार फैलाई हुई है ऐसे समय में ये हम सबके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि आज भी हमें दिगंबर मुद्रा इसी प्रकार से देखने को मिल रही है जैसी चतुर्थ काल में हमको देखने को मिला करती थी। हम धन्य है और उन श्रमणों के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हैं जो श्रमणों और श्रावकों को निरंतर जोड़ करके इस धर्म की प्रभावना को ऐसे कोरोना काल में भी निरंतर बनाए हुए हैं। मैं तो ये सब नहीं कर पाता लेकिन महाराज जी की कृपा थी और महाराज जी ने बार बार बड़े प्रेम पूर्वक आग्रह भी किया भावना भी करी और सबसे बड़ी बात है कि उनका आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि था। मुझे वो पंक्ति याद आती है इफ यू हैव अ कॉइन एंड आई हैव अ कॉइन लेट अस एक्सचेंज। यदि आपके पास एक सिक्का है और मेरे पास एक सिक्का है हम दोनों उसको एक्सचेंज कर लेते। स्टिल यू हैव अ कॉइन एंड आई हैव अ कॉइन। अभी भी आपके पास एक सिक्का है और अभी भी मेरे पास एक सिक्का है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। बट इफ यू हैव अ थॉट एंड आई हैव अ थॉट लेट अस एक्सचेंज। यदि आपके पास एक विचार है और मेरे पास एक विचार है आइए हम दोनों उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। अब आपके पास दो विचार है और मेरे पास दो विचार है ये धन और विचार शक्ति के परावर्तन में अंतर हुआ करता है। धन के परिवर्तन परावर्तन से स्थानांतरण से कुछ विशेष प्राप्त नहीं होने वाला लेकिन विचारों के परिवर्तन से निश्चित रूप से हम विचारों से और समृद्ध हो जाते हैं। और आचार्यों ने कहा है कि हमारे विचार हमारे शब्द बन जाते हैं हमारे शब्द हमारी क्रियाएं बन जाती हैं हमारी क्रियाएं ही आगे जाकर के हमारा भविष्य बन जाती है। पूज्य महाराज जी की इस प्रयास से हम अपने विचारों का ये आदान प्रदान जो कर पा रहे हैं। अक्षय तृतीया के महान अवसर से 31 मई तक साधुओं को
इस जूम ऐप पर ला करके आपने जो विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ये प्रारंभ की है वो अपने आप में बड़ी स्तुत्य है, प्रशंसनीय है और आप नमस्कार के योग्य हैं। निश्चित रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है अक्षय तृतीया का वह महत्व इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि चार प्रकार के दानों में औषध शास्त्र अभय आहारा आहार दान को क्रम के रूप में तो हम लगभग आखिरी में कहते हैं, बट कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अंतिम में जरूर आएगा लेकिन अंतिम में आते हुए भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि आहार दान का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि आहार दान साधुओं के संयम साधना के लिए आवश्यक, आहार दान साधुओं की रत्नत्रय आराधना के लिए आवश्यक है, आहार दान साधुओं की स्वाध्याय और दिन भर की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगर आहार दान निर्विकल्प और औषध रूप में हुआ है तो वह साधुओं की दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखेगा, उनकी सामायिक संयम साधना को व्यवस्थित रखेगा और उनका शरीर व्यवस्थित रहेगा। अगर साधुओं का शरीर स्वस्थ है तो समाज को बहुत अच्छे संदेश मिलेंगे, समाज को उपदेश मिलेगा, समाज को मार्ग मिलेगा, समाज को मार्गदर्शन मिलेगा। और अगर साधु स्वस्थ नहीं है तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी एक मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति का अभाव उस व्यक्ति के जीवन में धर्म के अभाव का कारण बन जाए। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब आचार्य भगवंत वीरसेन महाराज जी ने धवला ग्रंथ की टीका करी, जय धवला ग्रंथ की गुणभद्र जी महाराज ने टीका करी, तब उस जय धवला ग्रंथ में एक प्रसंग आता है कि तिर्यंच दान कैसे कर सकता है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं, सदा संप्रतीक्ष अतिथि अन्न काले नरो वलभते चेत अलाभे पितेषां भवेत् स प्रदाना प्रदानम ही संतः प्रदाने प्रयत्न ऋणानाम आमन्ति। यानी जो श्रावक जो गृहस्थ अतिथि के आहार के काल में भोजन को तैयार करके अपने आंगन में आकर के अतिथि की प्रतीक्षा करता है, अगर उस श्रावक को साधु का लाभ ना भी प्राप्त हो, अगर उसके चौके में साधु का आहार ना भी हो तो भी वो वही पुण्य को प्राप्त करता है जिस पुण्य को प्राप्त एक गृहस्थ आहार दान करके कर पाता है। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है कि जो चौका लगा करके मात्र अपने आंगन में प्रतीक्षा कर रहा है, साधु नहीं भी है, साधु उपस्थित नहीं हुआ, साधु का प्रणगान नहीं हो पाया, उसके बाद भी उसी लाभ को प्राप्त कर रहा है, कितना महान पुण्य का अवसर। प्रदाने प्रयत्नम ऋणानाम आमनंती, यानी वो मनुष्य मात्र उस प्रयास को करने से उस पुण्य को प्राप्त कर ले रहा है। और मैं तो ऐसा समझता हूं, एक दो साधुओं के होने पर चौका लगाया तो उन्हीं साधुओं के पुण्य का लाभ प्राप्त हुआ, मगर जिसने भावना लगा करके शुद्ध भोजन बना करके तैयारी करी उसे तो 3.9 करोड़ मुनिराजों के आहार दान का लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके लिए कोई बंधन नहीं था। एक बार धारणा बन जाएगी, पूज्य श्री गुप्ती नंदी जी वहां पर है चौका लगाने वाले कि महाराज जी आएंगे, आचार्य आएंगे, माता जी आएंगे, विनय गुप्त जी आएंगे, विमल गुप्त जी आएंगे, लेकिन जहां पर साधु नहीं होकर के भी उसने अपना कर्तव्य किया, उसने तो सोचा अरे भाई अनुभव सागर जी भी आ सकते हैं। इस प्रकार से उस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का भाव ऐसा नहीं, इस प्रकार के भाव, तब शिष्य पुनः प्रश्न करता है, महाराज मैं तिर्यंच के आहार दान की बात पूछ रहा था और आपने तो मुझे मनुष्यों का बता दिया। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई सुन, कि जब मनुष्य की आहार दान की पात्रता है तब ये स्थिति है, तिर्यंच की तो आहार दान की पात्रता नहीं, लेकिन तिर्यंच अनुमोदना मात्र करके भी वह पुण्य को प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसकी आहार दान की पात्रता नहीं है। रामायण यानी पद्म पुराण ग्रंथ में रविशेन महाराज ने उस गरुड़ के पक्षी के बारे में जो वर्णन किया कि वो आहार दान नहीं कर सकता था, लेकिन वृक्ष पर बैठा बैठा उसने दिगंबर मुनियों का पड़गान देखा, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गान देखा, राम सीता ने भक्ति भाव के साथ पड़गान किया, बड़े आनंद के साथ पड़गान किया, और वह पक्षी वृक्ष पे बैठा बैठा देख रहा था और यही विचार कर रहा था कि देखो कैसी पर्याय मिली है कि कभी मैंने भी आहार दान किया था और आज ये सब नहीं कर पा रहा। वो सारी स्मृति जाति स्मरण होने के बाद उसने सोचा अब मैं क्या करूं, तब वो गया और मुनिराज का जो गंधोदक वहां पर पड़ा हुआ था उस गंधोदक पर जा करके वो हाथ तो लगाता नहीं, पैर वाला प्राणी, गंधोदक पर जा करके लौट गया और देखिए उस गंधोदक का प्रभाव कि निश्चित रूप से उस गरुड़ पक्षी का सारा जो शरीर है वो सुवर्णमय हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप विचार करिएगा क्या ये गंधोदक के प्रभाव से हुआ। तब आचार्य भगवंत कहते नहीं,
कंदोदक तो अपने आप में महान प्रभावशाली था, लेकिन ये सारा कुछ हुआ तो तिर्यंच की श्रद्धा के प्रभाव से हुआ। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होगी वह अनुमोदना भी करेगा, वह कारित भी करेगा और वो कृत भी करेगा। अक्षय तृतीया का वो महान पर्व जो गुजर कर गया है, दान तीर्थ का प्रवर्तन इस दिन राजा श्रेयांश के माध्यम से हुआ था। लोग कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए आहार के लिए निकले, ऐसा बिल्कुल भी ना मान करके चले। आदिनाथ भगवान व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, अपनी अवस्था की दृष्टि से आहार को निकले। निश्चित रूप से उनका वह आहार दान का जो कार्य हुआ, आहार दान के तीर्थ का जो प्रवर्तन हुआ, आज वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, चारों तरफ भय का वातावरण है, कई साधुओं के लिए भी विपरीत स्थितियां हैं, क्योंकि महीनों महीनों एक ही स्थान पर रुकना पड़ रहा है। कई साधु समाज के बीच में है और कई साधु क्षेत्रों पर है और भारत में, लेकिन इसके बावजूद भी हमें डरने और किसी प्रकार के विकल्प का कोई भी विचार नहीं करना है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भी हमारे भारत में ऐसे ऐसे श्रावक मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से साधुओं की परिचर्या कराने के लिए अपना तन मन धन सभी ओर से लगाए हुए हैं। 1.5 वर्ष गुजरने के बावजूद भी कहीं से ऐसा सुनने को नहीं आया कि आज इन साधु को आहार दान नहीं मिल पाया या इन साधुओं का आहार दान नहीं हो पाया। निश्चित रूप से हुंडा अवसर्पणी होते हुए भी, पंचम काल होते हुए भी, ये दुखमा काल होते हुए मैं समझता हूँ कि इतने दिगंबर साधु जो भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं, उनकी चरण रच का प्रभाव है, उनके सानिध्य का प्रभाव है कि श्रावकों में आज भी इस प्रकार की जागृति बनी हुई है कि वो अपने क्रियाओं को करते हुए भी साधुओं की आहारचर्या आदि सारी क्रियाओं करने का, ऐसे कठिन दौर में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे कठिन दौर में भी वह प्रयास कर रहे हैं। और यही जो प्रयास है उन श्रावकों को आज श्रावक से कल श्रवण बना करके और आगे जाकर के निर्वाण की परंपरा तक ले जाएगा। वैसे भी गुरुदेव ने कहा था ये जैन धर्म तो इतना महान है कि जिसने इसकी शरण को प्राप्त कर लिया वह दुर्जन से सज्जन बन जाता है, वह सज्जन से संत बन जाता है, वह संत से इस जैन धर्म की शरण के माध्यम से अरिहंत बन जाता है और अरिहंत से सिद्ध भगवंत बन जाया करता है। यही हमारा लक्ष्य और यही हमारा उद्देश्य है। पूज्य श्री ने ये अवसर मुझे प्रदान किया, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि कोरोना का काल है। बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक फिल्म देखी थी, राम गोपाल वर्मा कोई डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म आई थी डरना मना है। लेकिन क्या पता कुछ दिन बाद राम गोपाल वर्मा ने एक दूसरी पिक्चर रिलीज करी जिसका नाम रखा डरना जरूरी है। मैंने बहुत सोचा, तब तो मैं उतना पढ़ा लिखा समझता नहीं था, धर्म के बारे में जानता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ तो मुझे लगा अरे ये तो भगवान महावीर के अनेकांत का सिद्धांत है, ये तो भगवान महावीर के अनेकांत का धर्म है। अनेकांत कह रहा है किसी के भी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करो। शायद राम गोपाल वर्मा समझ गए, उन्होंने दो पिक्चरें निकाली, डरना मना है और उसके बाद डरना जरूरी है। मैं भी जो जो श्रावक जो वो गृहस्थ इसके माध्यम से सुन रहे हैं, पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा योगी गुप्ति नंदी जी के इस प्रभाव से सुन रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि अनेकांत के इस रूप को स्वीकार करें। कोरोना काल चल रहा है, डरना जरूरी भी है और डरना मना भी है। डरना जरूरी इसलिए है क्योंकि बीमारी खतरनाक है, जानलेवा है, कई प्रकार से नुकसानदायक है और आपके शरीर को लंबे समय तक नुकसान में डाल सकती है, इसलिए डर करके चलिए। डरना इसलिए जरूरी है, आप सावधानियां रखिए, आप मास्क का प्रयोग करिए, आप लोगों से दूरियां बना करके चलिए और अपनी प्रत्येक क्रिया में सावधानी करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपका परिवार आपके साथ है। आप अकेले नहीं क्योंकि आपकी समाज आपके साथ है। आप अकेले नहीं क्योंकि आपका देश आपके साथ है। आप अकेले नहीं क्योंकि सारा विश्व इस कोरोना से जूझ रहा है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना कदम बढ़ा लिया, अपना अपना कदम संभाल लिया, तो हम बहुत लोगों को संभाल सकते हैं। किसी ने कहा है अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल ओन स्टेप। अगर 1000 किलोमीटर की यात्रा करना है तो अपने पैरों से चलना पड़ेगा और एक एक कदम चलना पड़ेगा। अगर मैंने अपना कदम संभाल लिया तो मुझे दुनिया को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ों से सुना था अपना लोटा छान लो, सारे दुनिया में आपको आनंद ही आनंद दिखाई देगा। इसलिए मैं अपने आप को संभालूंगा तो मैं सारे विश्व में शांति का यह मार्ग प्रशस्त कर सकूं। दूसरी पिक्चर निकली डरना मना है, वो भी बहुत आवश्यक है। आप यदि डर करके बैठ गए, घबरा गए तो आपका आत्मविश्वास खो जाएगा। इस बीमारी में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है
इस बीमारी में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है, सबसे बड़ी अगर कोई औषधि है, तो याद रखना कि आत्म बल से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर आप डर के बैठ गए, जिन्होंने आत्मविश्वास रखा है, जिन्होंने धैर्य रखा है, जिन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा है, वो 85-90 साल का होने के बाद भी बीमारी को जीत करके निकल आया। और जिस व्यक्ति ने अपने धैर्य को खो दिया, वो कम उम्र में भी चला गया। कहते हैं ना, बहुत पुराना सुना था, गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं आपसे नई बात कह रहा हूं। आज से याद रखना कि अनुभव सागर जी आपसे कह रहा कि जो डर गया वो मरने के पहले ही मर गया। जो बीमारी से मरेगा वो तो समय आने पर मरेगा, लेकिन जो डर गया है वो सोच लेना कि मरने के पहले मर गया, इसलिए हमें डरना नहीं है। ये बात अच्छे से याद रख करके चलना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती, कोई जब राह रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये निर्णय आपको करना है। आप घबरा करके अपने आप को हारना चाहते हैं, किसी ने कहा है मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, ऐसे संतों के सानिध्य में आकर के, संतों की चरण सन्निधि में आकर जो आत्मविश्वास का आदर्श आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये मत सोचना हमारे घर में रोटी नहीं थी, ये मत सोचना कि हमारे घर में पहनने को कपड़े नहीं थे, ये मत सोचना कि हमारे परिवार में कोई समृद्धता नहीं थी, सब कुछ फिट एंड फाइन था, गले तक भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आज पंचम काल एक पक्ष तो कहने में लगा हुआ है, पंचम काल में मुनि नहीं होते, पंचम काल में मुनि नहीं होते, पंचम काल में मुनि नहीं होते। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसी सृष्टि दिखाई देती है। पंचम काल में श्रावक भी ऐसे नहीं होते जिनको मुनि दिख जाए, हो सकता है इस कारण से उनको ना दिखते हो, लेकिन ध्यान रखें वर्तमान में सहस्त्राधिक दिगंबर मुनि और आरिकाएं इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं, उसी आत्मविश्वास की अलग जगाते हुए कि देखो इतना कठिन दौर है, भौतिकता की चकाचौंध है, चारों ओर साधन ही साधन उपलब्ध हैं, और उसके बावजूद भी आज इस पंचम काल में ये जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन साधनों को छोड़कर साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। इनकी सन्निधि को पाकर, इनके चरण सानिध्य को पाकर, इनके सानिध्य को पाकर हम भी अपने जीवन को मंगलमय करें। डरे नहीं, घबराए नहीं, आत्मविश्वास के साथ चलें। गुरुदेव ने एक बार कहा था, जब एलोपैथी काम नहीं करती, जब आयुर्वेदी काम नहीं करती, जब नेचुरोपैथी काम नहीं करती, जब टेलीपैथी काम नहीं करती, जब कोई भी पैथी काम नहीं करती, तब सिंपैथी काम करती है। सारे के सारे संत शांति धारा के माध्यम से, विधानों के माध्यम से, कई प्रकार के अपने व्यक्तिगत आयोजनों के माध्यम से सारे विश्व में शांति की जो भावना कर रहे हैं। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा कि लगता है महाराज पूजा का और भगवान का अतिशय थोड़ा कम हो गया। तो मैंने उनसे कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज तभी तो महामारी ऐसी ऐसी फैल रही है। मैंने कहा सुनो, जो भी थोड़ी विश्व में शांति बची है, जो भी विश्व में अभी थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य बचा हुआ है, ये जो कुछ भी अभी उपचार अधिक भी हो पा रहा है, जो लोग दया के मार्ग पे चलकर भूखों को भोजन करा रहे हैं, पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, ये सारा कार्य कर रहे हैं, ये इन्हीं भगवान का और संतों का अतिशय जो शेष बचा हुआ है। हम नकारात्मक क्यों सोचे? कल हम लोग शांति विधान कर रहे थे, और शांति विधान करते हुए उस समय मेरे सामने एक बच्ची आई जिसको थोड़ी सी ऊपरी बाधा थी। तो मेरे मन में एकदम से एक विचार आया कि हे भगवान, हम आपका शांति विधान कर रहे हैं, इसका इतना तो अतिशय हो जाए कि इस बच्ची की बाधा दूर हो जाए। मैंने जैसे ही ऐसे विचार किया, और उसी समय मेरे मन में पुनः एक बात आई कि हे भगवान, मैं कितना निकृष्ट हो गया कि मैं आपकी भक्ति में शर्त रख रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे शर्त नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति तो निरपेक्ष भाव से करनी चाहिए। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं ये भावना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। ये बहुत सुंदर पंक्ति मुझे मिली कि मेरे कष्ट मिट जाए, हे भगवान मेरी ये भावना नहीं है,
किंतु बस मैं आपकी भक्ति से यही प्रयोजन सिद्ध करना चाहता हूं कि मेरे मन से कष्ट का भय मिट जाए। अगर भय मिट गया है, सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो गया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि निर्भय हुआ करता है। मुझे तो बस निर्भय होना है, निडर होना है। लेकिन निडर होने का मतलब ये नहीं कि भीड़ में घुस जाऊं, निडर होने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने यहाँ पब्लिक इकट्ठा करने लगूं, निडर होने का मतलब ये है मैं अपनी सावधानियां रखूं और उसके साथ साथ अपने आत्मविश्वास को बना करके रखूं। अनेकांत को तो हमें याद रखना ही है, क्योंकि हमारा अनेकांत धर्म है, अनेकांत को बताने वाला है, और जो जो अनेकांत भाव के साथ चलता है निश्चित रूप से उसका कहीं भी पराभव नहीं होता। आप माने ना माने, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इस अनेकांत को स्वीकार करेगी। गांधी जी ने 3 बंदर रखे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। मुझे बड़ा आश्चर्य हो, काश गांधी जी एक बार हम लोगों से भी मिल लेते, या हम उनके समय होते या वो हमारे समय होते, तो हम उनसे जरूर कहते गांधी जी अनर्थ दंड कर रहे हो आप, 3 बंदर की आवश्यकता ही नहीं है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, आप तो 1 बंदर रखो और उसका हाथ सिर पर रख दो या तो दिल पर रख दो और नीचे लिख दो बुरा मत सोचो। जिस व्यक्ति का बुरा सोचना बंद हो जाता है उसके देखने से, उसके सुनने से, उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाले को पता है ये व्यक्ति सरल है तो वो गुस्सा भी कर जाए तो कोई बात नहीं, उनको तो गुस्सा आ जाता है, उतर जाता है। अगर उसकी दृष्टि भी पड़ जाए, मुझे याद है एक उदाहरण कि 2 साधु एक नदी के सामने से निकल रहे थे, उसमें एक वृद्ध साधु था और एक जवान साधु था, और उस समय कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के नदी में नहा रही थी। जैसे ही वृद्ध साधु निकला तो उन स्त्रियों ने अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया, और थोड़ी देर बाद जवान साधु निकला तो उन्होंने जैसे नहा रहे थे वैसे नहाते रहे। वृद्ध साधु को बड़ा विकल्प हुआ, वृद्ध साधु ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तब उन्होंने कहा कि ध्यान रखें कि वृद्ध और जवान से कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा मतलब सोच से है। अगर सोच अच्छी है तो आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना, ये सब भी समृद्ध हो जाते हैं। अगर सोच खराब होगी, मैंने आपसे पहले ही कहा वॉच योर थॉट्स दे विल बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे विल बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन बिकॉज दे विल बिकम योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर इट विल बिकम योर फ्यूचर। अगर आपको अपने भविष्य और चरित्र को संभालना है तो अपने विचारों की शक्ति को संभालना होगा, और ये पूरा का पूरा दौर विचारों की शक्ति को संभालने का दौर चल रहा है। आज माने कल माने, लेकिन जैनत्व को ये दुनिया स्वीकार करेगी। मैं कल ही हम लोग स्वाध्याय में चर्चा कर रहे थे, एक विषय आया, यही अनर्थ दंड का विषय। आप स्वीकार करें ना करें, पहले लड़के मोजे पहनते थे, हम भी खुद मोजे पहनते थे गृहस्थ अवस्था में, तो घुटने तक मोजे पहनते, धीरे धीरे मोजे घटे तो वो नीचे तक आ गए पिंडलियों तक, उसके बाद मोजे घटे तो वो एड़ियों तक आ गए। आज के लड़के, जब मैंने एक दिन अचानक मंदिर के बाहर किसी को जूते उतारते देखा तो देखा तो उसने इतना छोटा मोजा पहना हुआ था जो सिर्फ एड़ी के नीचे तक आ रहा था। मैंने पूछा भाई इतना सा मोजा, बोले हाँ महाराज जितनी जरूरत उतना मोजा। मैंने कहा वाह क्या बात है, जितनी जो जितना जूता उतना मोजा। मैंने कहा हम बरसों से समझा के थक गए कि भैया अनर्थ दंड से बचो। ये भगवान महावीर का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जिसकी जरूरत नहीं उसको छोड़ते चलो। इस कोरोना काल ने सबसे ज्यादा महत्व समझाया तो अनर्थ दंड का महत्व समझाया। जब पहला कोरोना काल शुरुआत हुआ और उस समय लॉकडाउन हुआ, 90% भारत की जनता ने एक बनियान और नीचे के शॉर्ट्स को पहन करके अपने डेढ़ डेढ़ दो दो महीने गुजार लिए। अब आपकी जरूरतें कैसे कम हो गई, अब आपकी आवश्यकताएं कैसे कम हो गई, हमें बहुत सारे विषय सीखना है। समय हमारे पास कम था, फिर भी हमने प्रयास किया पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा से जो कह सकता हूँ। बस इतना ही कहकर के अपनी बात कहना चाहूंगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि जरूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, लेकिन आवश्यकताएं तो इच्छाएं तो चक्रवर्ती की पूरी नहीं हुआ करती। इस कोविड काल में हमने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया होगा, हमने करने की कोशिश की होगी, और नहीं की तो अभी भी वही दौर चल रहा है। हम अपनी इच्छाओं को जीतने का पुरुषार्थ करें। जैसे लॉकडाउन के समय कम साधनों में, कम संसाधनों में, कम चीजों में हमने अपने जीवन का गुजारा किया और खुद के लिए समय निकाला, अगर इतने समय गुजरने के बाद हम वो नहीं सीख पाए तो ये महामारी भी हमको कुछ सिखा करके नहीं गई। इस महामारी से बहुत कुछ सीखना है, आपको भी हमको भी। इस प्रकार का ये विचार करके हमको चलना है, निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगलमय बनेगा। पूज्य आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण दिवस पर मेरी ओर से आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत नमस्कार करता हूँ।
सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक उनको नमस्ते करते हैं। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए इन दो पंक्तियों के साथ कि के हिस्से में रात अंधेरा आचा होगा, जिसके हिस्से में रात का अंधेरा आचा होगा पाया होगा, निर्णय आपको करना है। यू कैन रिजॉइस दैट द फ्लावर दैट द रोजेस हैव द क्या बोलते हैं उसको कांटे कहते हैं, आप उसी समय खुश भी हो सकते हैं कि गुलाब के साथ कांटे के बीच में गुलाब खिला हुआ है, और आप दुखी भी हो सकते हैं अरे कांटों के गुलाब के साथ ये कांटे कहाँ से आ गए। निर्णय आपको करना है, आप गुलाब देखना चाहते हैं तो आपको कांटों के बीच में सुंदर सा गुलाब दिखाई देगा, और आप कांटे देखना चाहते हैं तो सुंदर सुंदर गुलाब भी आपकी दृष्टि से ओझल होकर के आपको कांटे दिखने लगेंगे। श्रवण परंपरा इसी तरह से जीवंत रहे, जिनेंद्र भगवान का शासन जयवंत रहे, और चाहे कितनी भी महामारी हो ये विश्व सुख और शांति की ओर बढ़े, सारे विश्व से इस महामारी का नाश शीघ्रता से हो जाए, इसी भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुप्ति नंदी जी महाराज जी। बहुत बढ़िया आचार्य जन्मो सागर जी महाराज जी, जय जिनबिंब विराज एक बार अच्छा जिनबिंब के दर्शन करना है अच्छा हाँ बहुत सुंदर अभी ये कौन सा क्षेत्र है दीदी आप कहाँ विराज रहे हैं अभी आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। हम भगवान को वंदन करते हैं नमस्तु करते हैं बहुत बढ़िया प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन हमें कराए हमारा भगवान को नमस्तु कोटि कोटि वंदन है दर्शन कराने वालों को आशीर्वाद है। अभी अभी हमारे आचार्य अनुभव सागर जी ने अपना अनुभव रखा कि यह ना समझो कि दिन अपने खराब हैं, यह ना समझो कि दिन अपने खराब हैं, कांटों के बीच खुशबू फैलाता खिलता हुआ गुलाब, जहां कांटे होते हैं उन कांटों के पास ही गुलाब होता है जो खुशबू बिखेरता है खिलता हुआ होता है। समस्याओं के समाधान हमको ढूंढना है, आपदा को अवसर का रूप देना है, ये विषय बहुत अच्छे ढंग से हमारे आचार्य श्री अनुराग सागर जी ने रखा कि जहां एलोपैथी काम नहीं करती टेलीपैथी काम नहीं करती एलोपैथी होम्योपैथी नेचुरोपैथी जब काम नहीं करती है वहां सिंपैथी काम करती है, और वही सिंपैथी का परिणाम है कि हमारे बीच में हमारे आचार्य अनुराग सागर जी आए। अभी कलिंजरा में पंच कल्याणक था, और पंच कल्याणक के पश्चात पंच कल्याणक के निमित्त से नहीं बल्कि कुछ और अन्य कारणों से अनुभव सागर जी भी कोरोना ग्रस्त हुए, बुखार उनको आया, स्वास्थ्य खराब हुआ। 4 मई को प्रवचन आपका था लेकिन ये समस्या बीच में आ गई, तो जैसे मुझे पता चला मैंने तुरंत आचार्य श्री अनुभव सागर जी के लिए यहाँ से अपनी भावनाएं भेजी अपनी सिंपैथी भेजी, मुझे लगा कि मंत्र भेज दूं, मैंने मंत्र यहाँ से भेजा, महामृत्युंजय की आराधना हुई, ध्यान हुआ, जाप हुआ, और आज हमारे बीच सागर जी बहुत अच्छे ऐसा लगा कि हमारे साधन भी उनकी सिंपैथी हमारे लिए कितनी बड़ा रक्षक वस्तु का काम कर जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि अनुभव सागर जी अपने पूरे संघ के साथ अनुभव के आपदा के बीच बिखेर रहे हैं। ये कोरोना का अवसर है, इस कोरोना को हमें कोने में कर देना है और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना है, आत्मबल को बढ़ाना है, और आत्मबल को बढ़ाने के लिए आत्मोत्साह को बढ़ाए रखने के लिए जो उत्साह से भरे हुए हैं आनंद से भरे हुए हैं समता से भरे हुए हैं ऐसे ऋषि मुनि साधु संतों की संगति को प्राप्त करना है, उनकी संगति को प्राप्त करना है, निरंतर जिन आराधना जिन भक्ति करना है वही जिन भक्ति का अवसर आपको मिल रहा है। आज से ज्येष्ठ मास शुरू हुआ है और ज्येष्ठ मास में संपूर्ण भारत में ज्येष्ठ जिनवर की पूजा होती है। ज्येष्ठ जिनवर कौन है तो ज्येष्ठ जिनवर भगवान आदिनाथ, और आदिनाथ में आदिनाथ है और ज्येष्ठ जिनवर को यहाँ महाराष्ट्र में
यहाँ चढ़ाया जाता है, कन्हा चढ़ाया जाता है, जैसे को आम चढ़ाया जाता है। मैंने सोचा कि आखिर आम क्यों, आम ही क्यों लिया गया, आम फलों का राजा कैसे बन गया। आप देखिए कि कृष्ण, नारायण कृष्ण ने अपने सिर पर मोर मुकुट क्यों रखा, मोर पंख क्यों रखा। मोर पंख इसलिए कि यह तीर्थंकरों का झंडा है पीछे, और इसका मोर जो मोर पंख होता है उन पंखों से बनती पीछे, और ये साधु संतों के पास पीछे होती है, तो साधु संतों की पीछे का गिरा पंख कृष्ण जी ने अपने मुकुट पे लगाया, उसी का परिणाम है कि आगे जाकर के वह 16 तीर्थंकर बनने वाले। हमारा जो जिन शासन का ध्वज है या राष्ट्र ध्वज है, उस राष्ट्र ध्वज के अंदर में अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र किसका है, जो तीर्थंकरों का अशोक चक्र है। आज जो भी चीज है आप देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर क्योंकि साधु की पिछी उसके पंखों से बनती है, राष्ट्रीय पशु सिंह क्योंकि भगवान महावीर का चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा फूल कमल क्योंकि कमल पर ही भगवान विराजमान होते हैं, और राष्ट्रीय फल हमारा क्या है, आम। आम क्यों है, क्योंकि आम में दो नाम, पहला तीर्थंकर का नाम आदिनाथ का आ, और 24वें महावीर का मां, तो आदिनाथ का आ महावीर का मां मिलकर के आम बन गया, आदिनाथ से महावीर के स्मरण के लिए बन गया आम। जब भी आप आम कहते हैं या राम कहते हैं तो राम में ऋषभ देव है और माँ है, राम कहते हैं जो भगवान के नाम आते हैं और आम कहते जो भगवान का नाम आते हैं, इसलिए वो आम फलों का राजा बन गया, श्रेष्ठ बन गया। और यहाँ पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक में इस ज्येष्ठ मास में वही आम चढ़ाया जाता है। आम में स्वर्ण तत्व है, हमारे तीर्थंकर भगवान का वर्ण स्वर्ण वर्ण था, और भगवान जब चलते हैं स्वर्ण कमलों की रचना होती है, तो स्वर्ण से भरा हुआ आम हमारे जीवन को स्वर्णिम बनाता है, और हमारा जीवन पुण्य से स्वर्णिम हो, धर्म स्वर्णिम हो, सद्भावना स्वर्णिम हो। कितनी अच्छी बात अनुप सागर जी ने कही कि जब बुरा सोचना बंद कर दोगे तो ना बुरा देखना आपका होगा, ना बुरा सुनना होगा, ना बुरा बोलना होगा। हमारा फिर क्या हो जाएगा कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि दोषों पर जावे। जब बुरा सोचना बंद कर देंगे, भला सोचना शुरू कर देंगे, तो भलाई के सोचने में हमारे मन बुरे विचार की ओर जाएंगे ही नहीं, हमारी दृष्टि गुण पार की दृष्टि बन जाएगी। एक जगह से नारायण कृष्ण जा रहे थे, नारायण कृष्ण के साथ में अर्जुन भी था, अन्य लोग भी थे, वहीं एक सड़ा हुआ कुत्ता था, कुत्ता सड़ा था, उसकी दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन ने कहा अरे कितना सड़ा कुत्ता है, इस दुर्गंध आ रही है, नाक बंद कर ली। वहीं कृष्ण जी ने कहा अरे इतने भी इसकी दंत देखो, इसके दांत कितने बढ़िया चमक रहे हैं, दांतों की पंक्ति कितनी अच्छी इसकी है, उन्होंने अच्छाई को पकड़ा। गिलास आधा भरा हुआ है ऐसा हम पकड़े, गिलास आधा खाली है ये नेगेटिव विचार छोड़ दे। आज के समय के अंदर में आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, ये जो अच्छे वालों का है। बहुत अच्छी बात विनोद सागर जी ने कही कि भक्ति में अतिशय रहा, लोग कह रहे हैं इतने विधान हो रहे हैं, इतनी पूजा हो रही है, इतने मंत्र जाप हो रहे, इतना विषेक हो रहा है, फिर भी कोरोना नहीं जा रहा है। अरे कोरोना तो नहीं जा रहा है, लेकिन कोरोना से जो बचा रहा है वो तो आपको मंत्र जाप ही है। कोरोना से बचाने वाला जिन भक्ति है, जिन आराधना है, विजान है, पूजन है, मंत्र जाप है, आपकी उत्तम सोच आपको बचा रही है। कम में भी काम चल सकता है, कम में आप दम रख सकते हैं, और जितना कम में प्रयोग करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस समस्याओं को काटा समझ लीजिए और अपने आप को गुलाब समझ लीजिए कि हम इन समस्याओं से निकल करके आज फट फट रहे होंगे। आज ये दिन आए हुए हैं, ये भी चले जाएंगे। यदि सांझ आई है तो सवेरा भी आएगा, और सवेरा लाने के लिए ही नित नए आचार्य हमारे बीच में आ रहे हैं। आज हमारे बीच में आचार्य अनुभव सागर जी आए, कल हमारे बीच में फिर और कोई नया वक्ता हमारे बीच में होगा, हो सकता है कोई आचार्य हमारे बीच में आवे, कोई गणनी माता जी हमारे बीच में आ जावे, कोई मुनराज हमारे बीच में आ जावे, जो होंगे विश्व के गहरे होंगे, लेकिन आप लाभ दे रहे हैं और निरंतर पुण्यार्जन कर रहे हैं, आएंगे, उनकी वाणी का लाभ आपको प्राप्त होगा। आज मेरे 20 साल पूरे हो गए और 21वां वर्ष आज तक गया आचार्य पद के लिए। मना नहीं रहा इसको, लेकिन एक चर्चा का विषय है। हालांकि उस समय ही जिस समय
सन 2000 में धनतेरस के दिन पूज्य गुरुदेव ने मुझे आचार्य पद का पत्र भेजा था, मेरे नाम से पत्र आया था और मेरे साथ साथ में वहां के संयोजक उल्लास राय स्वामी इंदौर वाले कीर्ति पंड्या जी इंदौर से, उनके समाज के नाम से पत्र था और संग में गणी हारिका राशि माता जी, छिमाशी माता जी, अर्थाशी माता जी और मुनिश्री कविंद कुलपतन जी के नाम से पत्र था कि पूरा संघ मिलकर के मेरे शिष्य को मुक्ति नंदी को आचार्य बना दे। इसलिए उन्होंने भावना आचार्य भगवान ने भेजी। मैंने भगवान की आचार्य श्री की वाणी को प्रणाम किया, विनय किया, कहा भगवान आपकी तुलना है, वास्तव है कि आपने आचार्य पद दिया है लेकिन मैं अभी मुनि बनकर ये संतुष्ट हूँ, इसलिए पत्र को मैंने उसको लेकर के सम्मान से रख दिया। धनतेरस को दिवाली के एक दिन पहले आया था और उसे मैंने टाला, अक्टूबर में आ गया था, 10 अक्टूबर सन 2000 को पत्र आ गया था, रख दिया। हालांकि मेरे लिए पत्र आया था और हमारे सादर में आचार्य गुणन जी को पत्र आया था, तो गुणन जी का आचार्य पद ही देवल राजा के अंदर उसमें संपन्न हुआ था और मैं इंदौर में था, बात चली आई गई होगी लेकिन कुछ योग संयोग ऐसे बैठे कि हमारे बाबूलाल पाटोदी इंदौर के जो पद्मश्री थे, विधायक थे वहां के, इनके नाम पर गोमेडगिरी बनी हुई है, बाबूलाल जी पाटोदी, वो बहुत आग्रह उन्होंने किया और राष्ट्रीय माता जी के लिए उन्होंने सहयोग दिया, योग संयोग बैठे और रवि पश्चिम 27 मई 2001 दिन था, तारीख आज की है लेकिन तिथि शुद्ध पंचमी थी, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी थी, शुद्ध पंचमी का दिन था, उस दिन आचार्य पदरोहण हुआ था। वो दिन है आते हैं और चले जाते हैं, तब से मैंने सोचा है कि मैं जब आचार्य बना हूं तो आचार्य का दायित्व है कि जो निरंतर दंस्तन नान पहाणे वीर ये चारित व्रत वायारे अप्पा परम जुंजई सो आयरियो मुनीण्यो। बृहद द्रव संग्रह में निज स्थान देव कहते हैं कि जो दंस्तन नान पहाणे दर्शन ज्ञान प्रधान है, वीर्य चरित व्रत वायारे और वीर्याचार चरित्राचार और तपाचार को जो निरंतर पालन करते हैं, जो अपने को लगा के रखते हैं और सबको लगा के रखते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। तो बस मैं यही करना चाहता हूँ कि जब तक जीऊं आत्म कल्याण और आत्म कल्याण के साथ में सबर विश्व कल्याण, ये मेरी कामना है, ये मेरी भावना है। जब तक जीऊंगा जगत कल्याण करता रहूंगा, पहले अपना आत्म कल्याण करूंगा, ये हमारा कर्तव्य है। अनुभव सागर जी हमारे बीच में आए, मैं उन्हें आमंत्रण देता हूँ कि वे अवश्य धर्म तीर्थ के पंच कल्याणक महोत्सव में आप पधारें, जब भी महाराष्ट्र में आपका आगमन हो तो महाराष्ट्र में आप पधारें। कचरे अतिशय क्षेत्र है, बहुत ही भव्य क्षेत्र है, यहाँ आप दर्शन करें, साथ में धर्म तीर्थ कचरे के बिल्कुल पास में है, आप अवश्य पधारें, आपका ही तीर्थ है, यहाँ पर आपका वास्तव्य हो, साधना आपकी हो और होने वाले पंच कल्याणक में आपका मंगल आगमन हो, ये अपेक्षा ये कामना करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे अनुभव सागर जी आए और मैं बहुत बहुत साथ में वह शिविर के अंदर भी पढ़ाने वाले हैं, प्रवचन सार का सार बताने के लिए अनुभव सागर जी हमारे बीच में आएंगे, उनका समय सारिणी ली हुई है, ये सारे पुस्तक आपके बीच में आ चुके हैं, तो आप सही महान भाव होने वाले शिविर के अंदर अवश्य भाग लीजिए। अभी लगभग 6,500 के ऊपर जा चुके हैं और आप सभी जितने महान भाव हैं अपने फॉर्म अवश्य भर कीजिए, इतने सारे आचार्य एक साथ उनके दर्शन आपको मिलेंगे, उनकी वाणी के अलावा आपको प्राप्त होगा। और बहुत अच्छी बात कल हमारे बाबा जी शांति जी ने कही कि आचार्य तो आएंगे ही आएंगे लेकिन यदि आपने फॉर्म भरा है, आपकी डिवाइस आपने ज्वाइन की हुई है, तो आप भी आचार्यों के साथ में आप भी जीवन चिन्ह पर प्रोत्साहित हो जाएंगे, आपका उसके अंदर आ जाएगा, साथ में आपका ज्ञान भी प्राप्त होगा और परीक्षा आप देंगे, सम्मान पत्र आपको मिलेगा, बहुत सारे पुरस्कार आपको प्राप्त होंगे और बहुत सारे अनुभव आपको प्राप्त होगा। ये सभी अनुभवों के लिए आप सभी महानुभाव अवश्य में होने वाले महोत्सव में, इस ज्ञानोत्सव में दिन बहुत कम बचे हुए, आज 27 तारीख हो चुकी है और दिन बहुत कम है, जितने फॉर्म नहीं भरा हो वे सभी आज संकल्प कर ले। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि गुरुदेव हम कुछ देना चाहते हैं, आपके लिए उपहार देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, पर हम आ नहीं पा रहे, मुझे आपको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका इतना ही गिफ्ट मुझे चाहिए कि आपका अज्ञान अंधकार दूर हो, इसलिए उपहार यदि देना है तो आप संकल्प कर लीजिए कि जिनने फॉर्म नहीं भरा है, पहले तो जिनने फॉर्म भरा है उनको मेरा आशीर्वाद है और उनके लिए आह्वान है,
कि आपने फार्म भर दिया है, फिर भी मुझे आपकी ओर से उपहार चाहिए कि अपनी ओर से कम आज अपने 24 आम चढ़ाए हैं, तो 24 सतंकर के प्रतीक रूप में 24 लोगों को हम अपनी ओर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प ध्यान रखना, ये नियम आज कल लेना कि हम कम से कम 24 लोगों को और इसमें शिविर के अंदर जोड़ना है, 24 कैरेट पुण्य पाना है और उन्हें इसमें लगाना है, और जिन्होंने फार्म नहीं भरा है उन्हें मैं नियम देना चाहूंगा कि उपहार के रूप में आपको भी अपना स्वयं का फार्म भरना है, चौबीस लोगों को और फार्म भराना है, ये आपको प्रयास करना है। सभी जुड़े और लाभ प्राप्त करें, मेरा सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। जिन जिन्हें आज भक्ति की है, आज प्रासुक चिरंजीव प्रासुक निलय जैन जन्मदिन के द्वारा संपूर्ण विधान हुआ है, उनको आशीर्वाद देता हूँ। अजिंक्य महेंद्र महाजन का जन्मदिन है, मेरा उसको भी आशीर्वाद है। कल्पना उदय जैन बीट से आपकी शादी की सालगिरह है, मेरा उनको खूब सारा आशीर्वाद है। इसके अलावा जिनका भी जन्मदिन विभाग की वर्षगांठ हो, उनको आशीर्वाद, कुछ भी नहीं हो उनको भी आशीर्वाद। जो यहाँ पर आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुबह से जुड़े हुए हैं, गुरुवाणी का लाभ दे रहे हैं, उस सभी के लिए मेरा भरपूर आशीर्वाद है। आज शाम को, चूंकि आज गुरुवार है और आपने महोत्सव मनाया है, उसके उपलक्ष्य में जो रूम बीजाक्षर आपने लिखा है, रूम बीजाक्षर के चारों ओर अपने को ध्यान रखना है कि भक्तांबर के दीप आज लगाना है और घर घर में आज दिवाली मनाना है। कल आपके घर में आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हर एक बच्चा आपका योग्य बने, अयोग्यता मिटे, ऐसी योग्यता उसमें आ जाए कि कोई रोग संकट उस पर ना आवे, ऐसी योग्यता उसमें आ जाए कि स्वयं सेल्फ अपनी स्टडी कर पाए, ऐसा योग्यता उसमें आ जाए कि स्वयं अपना स्टेमिना खड़ा कर पाए, इस अपनी योग्यता को जगाने के अंत में अरहत पद की प्राप्ति। इसलिए आपको कल अपने घर में चावल से अरहम बीजाक्षर की रचना करनी है। अरहम चावल से आपको बनाना, अरहम अरहम बीजाक्षर आप बनाइए, अरहम बीजाक्षर की रचना कीजिए और उसके चारों ओर एक सूर्य किरण आप बना दीजिए, सूर्य बना दीजिए, किरणें निकल रही हो कि अपने घर में जिन धर्म का सूर्य खिले और वो ऐसी सूर्य किरणें बिखरे कि अपने घर के परिवार के सारे संसार की रक्षा सुरक्षा हो, ऐसे बीजाक्षर घर घर में आपको बनाना है और लाभ लेना है। आज इतना ही। गुरु महावीर भगवान की।